स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक अर्ध गोलाकार कटोरा है और उसकी जो दीवारें हैं जो उस पर स्टील लगा हुआ है वो 0.25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का कि जो मोटाई है ये 0.25 सेंटीमीटर की है और जो ये आंतरिक त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर का है। आपको बताना है कि कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठी जो ये बाहर की तरफ का है, ठीक है ना, ये जो इसका फैलाव है चारों तरफ से इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, ठीक, आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कटोरे में लगे स्टील की मोटाई बराबर 0.25 सेंटीमीटर, इसलिए कटोरे का की बाह्य त्रिज्या, कटोरे की बाह्य त्रिज्या जानने के लिए आप आंतरिक त्रिज्या में आप स्टील की मोटाई को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 5 + 0.25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। ठीक, आपको निकालना है कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए आप लिखें यहाँ पर कटोरे का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr² 4π की वैल्यू 22/7 हो जाएगी और r की वैल्यू जो जाएगी वो 5.25 × 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5.25 को आप सेवन से कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट ले लीजिए, सेवन से 49, 12 में से 9 के कितना हुआ 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 का तो 4 × इसको इससे कैंसिल कर दीजिए तो 0.75 हो गया, 22 × 5.25 × 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 488 हो जाएगा। ठीक है, 88 की मल्टीप्लाई 5.25 में कर लीजिए, यहाँ पर 5 × 8 = 40, 0 carry 4, 10 × 4 = 14, carry 1। ठीक है, 8 × 5 = 40, 0 carry 4, ठीक, 8 × 2 = 16 एंड 4 = 20, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 4 = 20, carry 2, 40 × 2 = 42, सेम नंबर यहाँ जाएगा 0 2 4, 0 0 एंड 2 एंड 4 2 6 एंड 4, आप पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, इस नंबर को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए पॉइंट और जीरो को, अब इसमें 0.75 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 2 = 10, carry 1, 5 × 6 = 30 एंड 1 31, carry 3, 20 23 23, 7 × 2 = 14, carry 1, 42 एंड 1 43, carry 4, 28 × 4 = 32, 0 415 336 224 एंड 3। अब 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है ना, 88 × 5.25 × 0.75 जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपके सामने कैलकुलेशन भी कर दी गई, आप कैलकुलेशन भी करें, खुद करें और अपने आंसर्स को चेक करें। थैंक्स टू वॉच।